Hey guys, this is Medico Man, and today we shall be talking about color vision and color blindness. Let's talk about color vision first. Agar hum log normal general vision ki baat kare, to retina is the screen of the eye and it has two types of receptors, rods and cones. Agar rods ki baat kare, to they are essential for scotopic vision, dim light vision. Wo color vision mein itna help nahi karega. Whereas cones jo specific hai color vision ke liye, for photopic vision. अगर कोन्स की स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो एनाटॉमिकली दे आर लोकेटेड इन द मैक्युलर रीजन ऑफ द रेटिना. मैक्युलर रीजन एसेंशियली टेम्पोरल साइड पे होता है आपके रेटिना में, और उसके अंदर मैक्युला लूटिया और फोविया नामक एक स्पेसिफिक एरिया है विच इज हैविंग डेंस कलेक्शन ऑफ कोन्स. अभी कोन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. इफ यू लुक एट कोन्स, तो उसके अंदर तीन टाइप के प्रोटीन्स हमें मिलते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स फॉर डिफरेंट कलर्स. पहला एरिथ्रोलेब, दूसरा क्लोरोलेब, एंड लास्टली वी हैव द साइनोलेब. ये एरिथ्रोलेब जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ रेड लाइट. क्लोरो ऑब्वियसली ग्रीन एंड साइनो इज फॉर ब्लू. अभी कोई भी नॉर्मल लाइट आप विजन कर लो, कोई भी लाइट अगर आपके ऊपर आ रही है, आपके आईज के अंदर जा रही है, रेटिना पे गिर रही है, इट विल स्टिमुलेट द कोन्स. और कोन्स अपने इस तीन प्रोटीन के मदद से स्पेसिफिक स्टिमुलाई को आगे पुश करेगा, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा. अभी अगर ये रेड, ग्रीन और ब्लू रिसेप्टर के प्रोटीन्स, इन तीनों के रिसेप्टर प्रोटीन्स अगर साथ में स्टिमुलाई होते हैं, प्रपोर्शन लेट्स से 1:1, यानी कि इक्वली ये लोग स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो दिस विल प्रोड्यूस व्हाइट लाइट सेंसेशन. सिमिलरली कोई और वेरिएशन आ गया, समथिंग रेड सबसे ज्यादा हो गया, ग्रीन कम हो गया, ब्लू ज्यादा हो गया, शायद येलो लाइट बन जाए, कोई और वेरिएशन आए तो ब्राउन बन जाए, थोड़ा और प्रपोर्शन में वेरिएशन आ जाए तो कोई और भी कलर बन सकता है. तो इस थियोरी को हम लोग यंग हेल्महोल्ट्ज़ थियोरी भी बोलते हैं. ये तो साइंटिस्ट के नाम है, ये तो रटने ही पड़ेंगे. सो ये तीन चीजें तो हमने देख ली. अभी इससे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन जो है, वी लेबल दैट ह्यूमन एज अ ट्राइक्रोमैट. ट्राइक्रोमैट हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हर एक इंसान के लिए देयर आर थ्री स्पेसिफिक कलर्स, थ्री प्राइमरी कलर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेंसेशन ऑफ कलर्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रम, राइट? सो इन कलर ब्लाइंडनेस द मैकेनिज्म टू अप्रिशिएट वन और मोर प्राइमरी कलर्स इज आइदर डिफेक्टिव और इट इज एब्सेंट. ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग अभी इस डेफिनेशन के हिसाब से दो तरीके से डिवाइड कर दिया. एक तो हमने बोल दिया कि आइदर इट इज डिफेक्टिव यानी कि एनोमलस, और इट इज एन एब्सेंस ऑफ द कोन और द रिसेप्टर एंड वी विल कॉल इट एन एनोपिया, राइट? अभी कलर ब्लाइंडनेस को क्लिनिकली फर्दर हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे. वन इज कंजनाइटल, the other is acquired, right? Congenital में further अभी हम लोग divisions ला सकते हैं. कैसे? Dyschromatopsia, and we have achromatopsia. So now let us talk about the differences between dyschromatopsia and achromatopsia. Dyschromatopsia, as the word is suggesting, some form of color vision is retained in this condition, whereas achromatopsia, that is complete absence of color vision. Hence we also call it rod monochromatism. Is condition mein there will be complete color vision loss, or you can say complete blindness,
the patient will also suffer from day blindness, essentially due to cone dysfunction. Patient might suffer from nystagmus as well. And on ophthalmoscopical examination, the fundus is normal. Right? Dyschromatopsia, we can further divide it into an anomaly, or you can say anomalous, and we can call it anopia, that is absence and defect, right? We already discussed about it. Okay. So anomalous dyschromatopsia can also be termed as anomalous trichromacy, because here the mechanism to appreciate all the three primary colors are present but are defective for one or two of them. Let's try to name them. Latin words like proto, deutro, and trito can be used. Notice that we'll always remember the color cones as R, G, and B. That is red, green, and blue. Simultaneously, proto anomaly would represent red deficiency. Deutro anomaly would represent green deficiency. And trito anomaly will represent blue deficiency, right? Same principle would be applied on anopia, that is complete absence. So this time we'll have proto anopia, deutro anopia, and trito anopia. Another special case of dyschromatopsia is blue cone monochromatism. It is a condition of complete absence of red and green cone function. And lastly, we'll be talking about the acquired condition for color blindness. Color blindness is acquired by macular or optic nerve lesions.